टू बताओ। तो वन 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 एम एल एम एल, तो पे टू आ गया 15 बार, लेकिन ये टोटल प्रेशर आया है। देखो ये ए नहीं निकालना था अपन को, पी टू नहीं निकालना था अपन को, एडिशनल प्रेशर निकालना था, है ना। तो पी टू भी निकालना था और एडिशनल प्रेशर, ठीक है चलो दोनों कर लेते हैं। एडिशनल प्रेशर निकालना था अपन को, तो पी टू निकल चुका है, तो एडिशनल प्रेशर हो जाएगा, एडिशनल प्रेशर इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, 15 - 10 5 बार, यही आंसर है। दिस इज द आंसर। चार्ल्स लॉ हो जाएगा, बड़ा सा लॉ है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। नहीं चार्ल्स डार्विन नहीं बेटा, ओनली चार्ल्स। हाँ आइडियल गैस, आइडियल गैस उस गैस को कहा जाता है जिसके इंडिविजुअल एटम का वॉल्यूम जीरो माना जाता है, और ये सपोज किया जाता है कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कोई प्रेशर नहीं डालती है। सिंपल में बता दें तो ऐसा बोला जाता है, गैस फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल एन आर टी, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो ऐसी गैस जिसकी इंडिविजुअल एटम के इंडिविजुअल एटम का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो माना जाता है, ऐसी कोई भी गैस नहीं है, इसलिए आइडियल गैस हाइपोथेटिकल गैस होती है आपकी। तो कौन सा H2N2NO2 सर्टेन स्पेशल कंडीशन नियरली बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, तो ये लगभग आइडियल गैस की तरह इंडिविजुअल एटम का वॉल्यूम जीरो माना जाता है आइडियल गैस का। तो ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, H2N2O2 बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। चार्ल्स लॉ क्योंकि 15 मिनट में हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको कल करेंगे, ऑर्गेनिक में आ जाएंगे।